सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल की तरफ से गाइज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो आई है। अगर आपको ये इंस्ट्रक्शंस पता रहते तो बहुत बढ़िया, वरना गाइज हो सकता है कि आपको सेंटर में जो एंट्री है वो ना मिले, या फिर पेपर के टाइम आपको टाइमिंग में जो गड़बड़ी है वो भी हो सकती है अगर आपको इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो पता नहीं रहती है। तो गाइज वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको यही करना है गाइज कि अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया बात, साथ ही में यहाँ पे जो फोटो एंड जो सिग्नेचर है वो भी कर लेना। कैसे करना डिटेल में वीडियो बनाया है, कैसे स्टिक करना, कैसे सिग्नेचर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा कार्टून वार्टून बना दिया था, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जो भी आपका स्लॉट होगा कमेंट में बताना, ठीक है। फिर इसके बाद गाइज आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है गाइज सबसे इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। सबसे पहले तो गाइज आपकी जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ऑनलाइन मतलब आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कंप्यूटर रहेगा, उसके ऊपर आपको जो एग्जामिनेशन है वो देनी पड़ती है। और ऐसा नहीं होता कि आप बाजू वाले का देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पे बीच में ऐसा कुछ शेड वेज जैसा रहता है तो आप बाजू वगैरह का देख नहीं पाते हो। तो ऑनलाइन होती है, बट चीटिंग वगैरह करने के कोई भी जो चांस है वो नहीं रहते, ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है गाइस वही वहाँ पे आपको जो पासवर्ड है वो डालना पड़ता है, ठीक है। पासवर्ड जो है वो DDMM मतलब डे मंथ ईयर ऐसे जो है वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ याद रखना एंड यूज़र नेम, आप जो हॉल टिकट है गाइस वो आपको लेके जाना होता है तो उस पर सारी चीज़ें रहती है, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले, तो ये ध्यान से सुनना। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस हॉल टिकट, ठीक है। तो ये जो हॉल टिकट है गाइस इसका आपको प्रिंट निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालो या फिर करंट कलर निकालो, कोई भी चलेगा, ठीक है। हॉल टिकट ज़रूर आपको जो है वो कैरी करना है। हॉल टिकट के साथ साथ गाइस आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो कैरी करना है, ठीक है। जो भी आपका आईडी प्रूफ होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर कोई भी हो, ठीक है, जो भी आपने अपलोड किया हुआ वो, उसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर जेरोक्स लेके जाता है वहाँ पे, अगर आप गेट पे दिखाओगे तो हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले। जेरोक्स के बेसिस पे आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वही लेके जाना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं एंड एंड टाइम पे फिर घर पे वापस जाके वापस सेंटर में जाने में बहुत पैनिक हो जाओगे। तो ट्राई करना जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हो वो ओरिजिनल हो, नहीं तो आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है, प्लीज़ नोट दैट योर नेम एज अपीयरिंग ऑन द हॉल टिकट प्रोवाइडेड फर्स्ट लास्ट एंड मिडिल नेम पोस्ट मैरिज, ठीक है। तो जिनका नाम चेंज हुआ होगा, जिनकी मतलब मैरिज वगैरह हो गई होगी, रहते हैं ऐसे कुछ स्टूडेंट, तो उनका अगर नाम चेंज वगैरह हुआ होगा तो उसके लिए गाइस वहाँ पे डिक्लेरेशन अनकंडीशनल फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। एफिडेविट वगैरह भी बनाते हैं कुछ लोग, तो वो ले सकते हो, बट बहुत कम लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, मैक्सिमम को तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट है गाइस, प्रिस्क्राइब मतलब जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये भरना पड़ता है ताकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिले, ठीक है। तो उन्हें थोड़ी डिसेबिलिटी वगैरह होती है तो उनको यहाँ पे जो लिंक है वो वाला जो फॉर्म है वो फिल करना होता है, ठीक है, तो उनके लिए है ये। फिर नेक्स्ट है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको पता रहे तो इससे गाइज आप अपना जो टाइम है वो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाओगे। ये है गाइज फिफ्थ पॉइंट, दिस पेपर इज़ हैविंग टू ग्रुप्स, ठीक है। जो पेपर है वो दो ग्रुप में आता है, पहला जो ग्रुप होता है वो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है गाइस मैथमेटिक्स, ठीक है। हर एक ग्रुप जो है वो 90 मिनट्स का होता है, ठीक है। पहला जो ग्रुप होता है वो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुल मिला के कितने मिनट्स मिलते हैं, 90 मिनट्स। दूसरा ग्रुप होता है गाइस मैथमेटिक्स का, इसको सॉल्व करने के लिए कुल मिला के आपको मिलते हैं 90 मिनट्स, ठीक है। कुल मिला के पूरा जो टोटल पेपर है वो आपका 180 मिनट्स का होता है, ठीक है। अब आप में से काफ़ी क्लेवर लोग जो होंगे वो ये सोचेंगे कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है ना वो मतलब 60 मिनट में सॉल्व कर लूँगा, बचा हुआ जो टाइम है वो मैथ्स में यूटिलाइज करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है, या फिर मैथ्स में जल्दी जल्दी सॉल्व करके फिजिक्स में टाइम यूज़ करूँगा, ऐसा भी नहीं होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपका जब पेपर स्टार्ट होगा ना, तो आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला ग्रुप है वो पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आप बस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे, आपको मैथमेटिक्स जो है वो आपका लॉक रहेगा, ठीक है। पहले 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वही सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक ये 90 मिनट्स का जो टाइम है वो ख़त्म नहीं होता है, तब तक जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। जब तक 90 मिनट्स पहले ख़त्म नहीं होते हैं तब तक ये जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है वो ओपन नहीं होगा। तो पहले 90 मिनट्स में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें आप फिजिक्स को कितना टाइम देते हो, केमिस्ट्री को कितना देते हो, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है।
बट पहले 90 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सॉल्व करना है, उसमें आप टाइम बचाते भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मैथ्स का जो ऑप्शन है वो जब 90 मिनट्स पहले ख़त्म होंगे तभी आप जो है वो मैथ्स का जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड जिस टाइम मैथ्स ओपन होगा गाइस, उस टाइम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो क्लोज हो जाएगा। फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सेक्शन रहेगा उसमें कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम ये जो है वो समझने वाली बात है, जिनको ये उस टाइम समझ में आता है जिस टाइम वो एग्ज़ाम देते हैं उनको बहुत जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ता है। तो अभी से जान लो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि कुछ सेक्शन वाइज पेपर आता है, पहला सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा सेक्शन मैथमेटिक्स, 90-90 टाइम जो है वो ईच सेक्शन को जो है वो मिलता है। आप कोई भी सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो टाइम मैनेज करना है। नेक्स्ट है गाइज, यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पेन, ठीक है। तो आपको एक बॉल पेन कैरी कर लेना है, चाहे वो ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड मत लेना, ब्लैक ब्लू में से कोई भी ले लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि क्या हमें रफ़ शीट जो है वो मिलती है या फिर लेके जाना होता है। तो रफ़ शीट जो है गाइज वो सेंटर में जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो ट्राई करो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही जो है वहाँ पे आप रफ़ शीट जो है वो मांग लो, क्योंकि जैसे ही आप पेपर स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रफ वर्क करने में जो है वो पड़ता ही है। तो जैसे पेपर स्टार्ट होगा उसके पहले ही जो है वो मांग लेना, क्योंकि कुछ कुछ सेंटर में मैंने देखा है कि रफ़ शीट जो है वो 10-15 मिनट बाद जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप सेंटर में जाते हो तो सबसे पहला काम आपका यही है कि रफ़ शीट के लिए जो है वो मांगो जैसे ही आप अपने सीट पर बैठोगे तब, क्योंकि सीट पर बैठने के पहले आपको वहाँ पर जो वेरीफिकेशन है नाम वगैरह जो है वो देखा जाता है, ठीक है। अगर आपके नाम में कोई भी मिस्टेक होगी, कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तब भी गाइज आपको जो है वो अनकंडीशनल फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, क्योंकि वापस स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो चेक की जाती है। तो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होती है तो ये यहाँ पे अनकंडीशनल फॉर्म है जिसमें आप अपना नाम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ और अगर कोई जेंडर वगैरह चेंज हुआ तो अगर इसमें से कुछ भी चेंज हुआ है आपका एडमिट कार्ड में तो ये चेंज करने के लिए आप अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो कैरी कर सकते हो। इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो डिटेल में कमेंट्स में बताना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो फिल करना है। इसके अलावा गाइज फिर बाकी सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर है गाइज यहाँ पे योर रिस्पॉन्स आंसर, मतलब आपके जो आंसर है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स से कंपेयर करके देखे जाएंगे कि क्या सब, मतलब बाजू वाले के 10 राइट है पहले सेम ऑप्शन टिक्स और 2 रॉन्ग है सेम ऑप्शन टिक ऐसा वगैरह हुआ तो उसको एनालाइज वगैरह किया जाएगा। बट ये सब बहुत ही रेयर होता है कि सेम पेपर होने की वजह से 2 स्टूडेंट्स का पेपर कैंसिल कर दिया गया, ऐसा बहुत ही मतलब रेयरली होता है, ठीक है, इसका टेंशन मतलब। नेक्स्ट है गाइज कि 30 मिनट्स पहले आपको जो है वो वेन्यू पे जाना है, मतलब सेंटर पे जाना है। ये ट्राई करो कि 1 घंटे पहले जाओ, वहाँ पे जाके सो जाना लगे तो ठीक है, बट ट्राई करना कि थोड़ा जल्दी जाओ। एकदम लास्ट मोमेंट पे जाओगे तो मैंने देखा है अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो है वो पैनिक हो जाते हैं एंड पेपर में फिर जो है वो मतलब बेकार कर देते हैं। तो ट्राई करना थोड़ा जल्दी जाओ सेंटर पे ताकि अगर कुछ भूल भी जाए तो आप वहाँ से ला पाओ। एंड सुबह सुबह जिनकी सुबह वाली बैच होगी तो जो एडमिट कार्ड है वो पहले निकाल लेना, जेरोक्स मशीन सब बंद रहती है दुकानें, ठीक है। तो ट्राई करना थोड़ा जल्दी जाओ सेंटर पे ताकि कोई भी जो पैनिक वगैरह वो ना हो। इसके अलावा गाइस फिर बाकी और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट सेशन सेंटर वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आपको सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा मिला है, ठीक है, अगर आपको जाना नहीं जम रहा है या फिर आपका कुछ एग्ज़ाम है दूसरा, तो सेंटर वगैरह जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है, कोई भी एंटरटेन नहीं करेगी आपके रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा होता ही है, बाकी फिर जो इंस्ट्रक्शंस है वो नॉर्मल सी है। अगर कोई भी इशू लगता है आता है तो हेल्पलाइन डेस्क का ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हॉल टिकट कैरी करना, साथ में एक डॉक्यूमेंट कैरी करना जो कि ओरिजिनल हो, ओरिजिनल कॉपी, एंड फिर ये एग्जामिनेशन वाला 90-90 वाला सेक्शन वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से इनको ध्यान रखना एंड इसी के अकॉर्डिंग पेपर वगैरह सॉल्व करना। एंड एक रात पहले बैग वगैरह भर के रखना। एंड और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ जो है वो कैरी मत करना अपने साथ, किसी के भी साथ जाते हो तो उनको दे देना, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें रखने की जो फैसिलिटी है कुछ सेंटर पर रहती है कुछ सेंटर पर नहीं रहती है। तो अगर आप मोबाइल वगैरह कैरी करते हो यानी आप कहीं पे भी रखते हो तो आपके मन में टेंशन रहेगा यार मोबाइल बाहर रखा है क्या चला तो नहीं जाएगा एंड पेपर के टाइम प्रॉब्लम होगा, तो ऐसी चीज़ें मत करना, ठीक है, इससे हो सकता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो एंड पेपर में मिस्टेक्स हो, ठीक है। बाकी सारी जो चीज़ें जो है वो आप अच्छे से करोगे मुझे तो पता ही है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। कौन सा सेंटर आपको मिला है ज़रूर कमेंट्स में बता देना एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आने वाले समय में आपको दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।